जिए खपे पाकिस्तान वोट की था नवाज शरीफ की वजह एदी वजह है कि उन्होंने तो मलंग बढ़ाता साडा नहीं इथे वोट हैगा जिथे हैगा उथे किदा रखोडार किदा वो जेड़ा को आएगा फिर कर लो आएगा की कोई पैसे लेके आएगा मैं आ गया समझो बाद चो अगले घर आटा नहीं हैगा ते बाहर आके कहना जी सानू मिलो जी बाद चो दफ्तर जाना क्या बार बार ठा दिंदे ने और चलो आजकल से बिरयानियां खवा रहे नान खवा रहे यहूदी जो है वो चाहते नहीं है कि इमरान खान जो उस इक्तदार में आए क्योंकि वो उनकी तो यहूदियों का इतना असर रसूख है हमारे मुल्क में पाकिस्तान शुरू से यहूदियों का ही असर रसूख है भाई फिर अब कैसे जीतेगा आप यहूदी क्या चले गए दुनिया से क्योंकि उन्हें उठों की बुढ़ी की थी वो इस वास्ते शैतान है बुढ़ी उन्हें इंग्लैंड की थी जिथों की भी की है तो बाहर के मुल्क की साढ़े पाकिस्तान च घट गई नहीं मुड़ के दो की ने तो वो उन्हें बगैरती की है वजह अच्छा आदमी है बाबा जी की कहते पे बाबा जी का अपना हिसाब है हमारा अपना हिसाब है हर बाबे का वक्रा हिसाब हाँ जी बाबे की गल्ला नहीं सुनिया वो बाबा आप खुसरे चढ़ा किराए से भुट्टो ने आधा पाकिस्तान गायब कर दिया बिलावल वो भी उसका पोता ही है वो पूरा ही गायब कर दे वजह उन्होंने काम किया दूसरों से बेड़ा गर्क किया जो भी है तो आड़े काम कीते ने के मुलक दे कीते ने लगदे ही कीते ने तो साडे वास्ते होगा इको जेडे मुलक दे काम खराब होए ने किने कीते ने हमारी चीफ जस्टिस हैं हमारी आर्मी है जनरल साहब हैं ये सारे उनके साथ मिले हुए हैं अब ये सीधे और क्यों मिल गए यहूदियों के साथ भाई इनका जो जब रिटायर होते हैं सारा पैसा बटोल के बाहर चले जाते हैं यहूदियों का जवाई वो था मिल ये गया ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इलेक्शन सर्वे की एक और एपिसोड के साथ ज़ुल्फ़िकार अदर मलिक आपके सामने हाजिर है नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं अरबंसपुरा में जो कि NA-121 बनता है जो कि लाहौर का एक बहुत बड़ा हलका है यहाँ पर मुकाबला है PMLN के शेख रोहेल असगर का PTI के वसीम कादर के साथ तो आइए लोगों से जानते हैं कि लोग इस दफा किस जमात को यहाँ से जिताने जा रहे हैं चलते हैं अवाम की तरफ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर वोट किसको देंगे वोट अपने जमीर की आवाज़ पे देंगे है कोई जमीर की आवाज़ बता सकते हैं लोगों को ताकि इनके भी जमीर जागे वही है जो अल्लाह के नाम से शुरू करता है हाँ कैदी नंबर 804 पक्का तय कर लिया जी सर आप सर हम अवार्ड उसको देंगे जिसका नाम लेते हैं ना टांगे कांपती हैं हर पार्टी की तो बाकी आप समझ गए हैं ऐसे ही है कैदी नंबर 804 हाँ जी कैदी नंबर 804 यानी इस बार नियत कर ली है जिताने की इसको है जी, बिल्कुल आप सर वोट इमरान खान सर आप वोट इमरान खान खान आप तरीके लब्बैक जी आने वाले मुस्तकबिल की काम करना है हमने पाकिस्तान को बेहतरी जो करेगा उस पे काम करना है हमने बुजुर्गो आप वोट किसको दे रहे हैं शेर को अच्छा ये बुजुर्ग सारे शेर के साथ क्यों है काम नजर आने किया नौजवाना नहीं नजर आने शेर आपका शेर वोट तीर नु देने तीर नु लो जी आ गया तुहानू की 300 यूनिट फ्री चाहिए बिजली नहीं हाँ और बिलावल दे रहे हैं ना 300 यूनिट का बिल ही नहीं आना साढ़े इलाके च बेगम समीना है ते ओने साढ़े इलाके च हर घर जांदी है ते अपनी कमानी अपनी खानी है कोई ओने नहीं देनी बक्की चोटे आ जाना खाला फलानी चीज ला है बाद चो अगले घर आटा नहीं है तो बाहर आके कहना जी सानू मिलो जी बाद चो दफ्तर जाना क्या बार बार ठा दिंदे ने और चलो अजकल तो बिरयानियां खवा रहे नान खवा रहे मैं कहना चो पहले जिहड़ियां घूमता सी अच्छियां सी ए घूमता जिहड़ियां बस बेकार ने सब सारियां सब किट्ठे वट्टे अच्छा हां जी चलो खुली आवाज भाई आपका वोट इमरान खान आप इमरान खान का आपका वोट इजा के ना सही सर वोट किसको देंगे यार वोट तो अभी किसी को भी नहीं देंगे कोई डिसीजन नहीं किया पिछली दफा क्या डिसीजन किया था पिछली दफा PTI को दिया था तो अभी क्यों सोच में पड़ गए इस दफा
जैसे हालात हैं आपको पता ही है, सोच में पड़ने वाली बात। हालात की वजह से या उनकी परफॉर्मेंस की वजह से? हालात की वजह से। हाँ जी सर, वोट किनू दोगे? शेर। की वजह? वैसे ही उन्होंने आना चाहिए, ये तो ऐसे होने पिछले 16 महीने रह गए, फिर आ जाने लगन। भाई वोट किसका? शेर का। शेर का आपका सर? तरीके ला बैक। तरीके ला बैक। बाजी वोट किसका? शेर। जीवे जीवे, जीते है, जीते है, जीते है, उन्हें गल हो गई, जीत गए है। मतलब 8 फरवरी वाला कोई चक्कर नहीं? ओ कोई चक्कर नहीं है, बस दुनिया का बस एक है भुलेखा ही। ये किन्ने तुम दसया कि जीत गया? जीत गया, मैं कहनी मेरे दिल विच जीत गया। असि 15 वोट पाने ने उन्हें। सर वोट शेर दा। की वजह? वजह प्यारा लगता, अच्छा लगता। कौन अच्छा लगता? शेर। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ? ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਐਤਕੀ ਸ਼ੇਰ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਦੀ 804, ਕੈਦੀ 804 ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਿਹਾ। 8 ਨੂੰ ਕਿ 9 ਨੂੰ? 8 ਪਰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਸਰ ਵੋਟ ਕਿਸਕਾ? ਵੋਟ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੇਰੇ ਮੈਂ 39 ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਸਾਬੇ ਆਪਣੀ ਕਿਦਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ? ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਵੋਟ ਕਿਸਕਾ ਭਾਜਨ? ਜਿੰਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੀ ਪਾ ਦਿਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ? ਸਰ ਵੋਟ ਕਿਸਕਾ? ਬਾਈ ਤਹਿਰੀਕੇ ਲੱਭਾਇਕ ਆ। ਲੱਭਾਇਕ ਆ ਭਾਜਨ ਆਪਕਾ? शेर का। शेर आप? वोट किसका? शेर। कौन सा शेर? पाकिस्तान। असली के कागज का? लाहौर। हैं? लाहौर। लाहौर वाला? ते ओ जेड़ा उते बनी गाला वाला है ਇਹਨਾਂ ਮੈਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਵੋਟ ਕਿਸਕਾ? ਵੋਟ ਕਿਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਪ ਦਾ। ਵੋਟ ਕਿਸਕਾ? ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਜੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ? 20 साल। अच्छा सर वोट किसका? शेर का। शेर का। सर वोट किसका? शेर। सारे ही? किन्ने बंदे ने दसो जरा? नहीं जो खड़े हैं, कैमरा अंदर करो यार, हाथ खड़ा करना। शेर आले? सारे ही शेर आले जी। सर आपका वोट? वोट जड़ा काम करता उन्हें वोट देंगे। कौन काम करता? काम तो पाकिस्तान च करता ही कोई नहीं। नहीं फिलहाल तो नवाज शरीफ नु है, तो बाकी आपका वोट? किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं। सर आपका वोट? मेरा पीटीआई। पीटीआई। इधर आ जाओ जी, एक और दुकानदार मुकाबले यहाँ चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका? शेर का इंशाल्लाह। तो खड़े करो शेर वाले। शेर इंशाल्लाह फिर। अच्छा भाई जान आपने नहीं खड़ा किया? मैं आज आदमी इधर के। चल अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका? वालेकुम सलाम, शेर का। शेर का। सर वोट किसका? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का। क्या वजह? बस वो पसंद है मुझे। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804 804 ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੱਗਦਾ? ਆਪ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੌਣ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਐਰੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ? ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਏ ਨੇ? ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਐਰਗੇ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ। ਹਾਂ ਸਰ ਆਪਕਾ ਵੋਟ? ਸ਼ੇਰ। ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ? ਲੱਭਾਇਕ। ਲੱਭਾਇਕ। ਸਰ ਆਪਕਾ ਵੋਟ? ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰ? ਲਖੋੜੈਰ। ਲਖੋੜੈਰ ਕਿਧਰ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਏਗਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਵੋ। ਸ਼ੇਰ? ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ? ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਧਰ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਵਾਤਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਆਪਕਾ ਵੋਟ? ਲੱਭਾਇਕ। ਲੱਭਾਇਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਵੋਟ ਕਿਸਕਾ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸ ਕਿਸਕਾ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਪਕਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਪ।
पीटीआई साहब भाईजान आप दोनों वोट मियां साहब पीछे मियां साहब कौन पीटीआई जी वोट किसका ऐप बनने शेर क्या वजह दसो बिला वजह बिला वजह नहीं सर आपका वोट शेर के साथ इंशाल्लाह क्या वजह वजह उन्होंने काम किया दूसरों ने बड़ा गर्क किया जो भी है तो आड़े काम कीते ने के मुलक दे कीते ने मुलक दे कीते ने तो साढ़े वास्ते होगा इको ये जेड़े मुलक दे काम खराब होए ने किने कीते ने और रल के सारे कीते ने वो असी कीते ने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर वोट किसका शेर दा शेर दा ऊपर शेर सर आपका वोट पीटीआई पीटीआई आपने पहले कर दिया आगे हां जी डबल हो गया सर आपका वोट मैं नहीं हूं इधर का जिधर के हैं उधर की किसका है नवाज शरीफ है नवाज शरीफ किसका नवाज शरीफ नवाज शरीफ का भाई आपका हो गया वोट इमरान खान इमरान खान आपका वोट किसी को भी नहीं सर आप बताएंगे वोट किसका नवाज शरीफ बाजी वोट किसका माजी वोट किदा किसे नु भी नहीं देंगे तुसी सर मौलवी साहब वोट किसका बताएंगे वोट मिली मुस्लिम का अस्सलाम वालेकुम सर वोट किसका किसी का नहीं किसी का नहीं अंकल जी आपका वोट किसका नवाज शरीफ का नवाज शरीफ का आपका वोट मैंने कह दिया पहले किसका कहा था पीटीआई का भाईजान आपका वोट किसका नून लीग का नून लीग का सर तुहाडा वोट आपका वोट किसका किसी का किसी का भी नहीं आपका भाईजान वोट नून का इंशाल्लाह नून का जुनून का हां साहब आपका वोट किसका हाफिज साद हुसैन रिजवी लबैक सर आपका वोट नून लीग नून लीग क्या वजह बड़े अच्छे काम करता नून लीग किथे सारे पासे पूरे पाकिस्तान सारा उन्हें कीता है उन्हें कीता सारा उन्हें कीता है कि इंशाल्लाह वजीर आजम भी होई है नून लीग गल हो गई है होगी किधर ना लोई गल इधर दी आपच होई है सर वोट किसका इमरान अहमद खान नियाजी का इमरान अहमद खान नियाजी कैदी नंबर 804 अंकल जी वोट किसका किसी को भी नहीं आ जाए फिर आ जाए आराम से मैं ऊपर आ जाऊँ अगर देख के ध्यान से बाजी आपका वोट किसका किसी का नहीं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अंकल जी वोट किसका वोट अल्लाह का है ठीक है लेकिन जान किसकी थे खल की थी उसकी अल्लाह की है सब कुछ अल्लाह का हाँ जी 77 साल जा रहा है पाकिस्तान में कोई बन ही नहीं आया आज तक कोई बन ही नहीं आया पूरे शुरू तो लेके कायदे आजम से पाकिस्तान दुनिया से वाहिद मुल्क है जो अमीर तरीन मुल्क है लेकिन इसका हुक्मरान अच्छा कोई नहीं आया ये तो भी कह रहे ना ये जो पिछले 35-40 साल वाले गलत है आपने शुरू से कर दी सब ऐसे ही आ रहे हैं तो फिर पाकिस्तान बनाया किन्ने सीजे सारे कायदे आजम ने बनाया कायदे आजम तो बाद कोई नहीं आया बंदा कोई अच्छा नहीं आया पुट्टो पुट्टो ने आधा पाकिस्तान गायब कर दिया तो उन्हें बिलावल नु लाया वो पूरा गायब कर दे नहीं बिलावल वो भी उसका पोता ही है वो पूरा ही गायब कर दे अल्लाह भी उधर जाना क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता आपका यानी वोट किसी का नहीं है हम किसी को नहीं देना इस बार किसी आजाद नु दे दो किसी का भला ही हो जाएगा वो खुद ही बना लेंगे वो खुद ही आखें ये हमारा वोट है हम डाल दिया हमने फैसले हो गए ने हाँ फैसला हो गया किधर होया फैसला हमने किसी को नहीं देना वैसे उन्होंने तो फैसला किधर होया किन्ने आना अल्लाह बेहतर जानता है अस्सलाम वालेकुम भाईजान सर वोट किसका पीटीआई पीटीआई का आपका भाईजान पीटीआई सर आपका वोट लबैक या रसूल लबैक या रसूल सर आपका पीटीआई पीटीआई एकदम वेव चलती अस्सलाम वालेकुम सर वोट किसका सारे आदा माशाल्लाह धांधली करनी आपका वोट किसका लबैक लबैक का बेटा आपका वोट शेर का आपका लबैक लबैक आप लबैक लबैक और बेटा आपका वोट शेर आपका पीटीआई कैदी नंबर 804 आपका तीर जिंदाबाद ये क्या कह दिया आपने आप ये बुटो किस वजह से जिए बस ये जिए 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 खपे पाकिस्तान खपे जिए जिए सर वोट किसका नॉट इंटरेस्टेड सर क्यों सर वैसे ही मुल्क की तकदीर का फैसला होने जा रहा है आप इंटरेस्टेड ही नहीं है
मैं नहीं इंटरेस्टेड, इतने आए हैं कोई कुछ नहीं कर सका इसलिए नॉट इंटरेस्टेड। सर वोट किसका? टीएलपी का। टीएलपी लबैक वालों का। आपका किसका? नून लीग। नून लीग का जस्ट इमरान खान। जस्ट इमरान खान। ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਕਿਹਦਾ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਣਾ। ਸਰ ਵੋਟ ਕਿਸਕਾ? ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸੋਗੇ ਬੋਲ। ਆਪ ਕਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਵੀਰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਸਰ ਆਪਕਾ ਵੋਟ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ? ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਬਸ, ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਮਖਲੂ? ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਕਾ ਵੋਟ? ਹਮਾਰਾ ਸਰ ਨੂਨ ਲੀਗ। ਨੂਨ ਲੀਗ। ਵੋਟ ਕਿਸਕਾ? इमरान खान का। इमरान खान का। आदाब? हाँ जी भाई। तरीके इंसाफ। तरीके इंसाफ। आप सर? पीटीआई। पीटीआई। आप सर? पीटीआई। पीटीआई। आपका हो गया सर? वोट किसका? जाया। जाया? जाया? की वजह? सारे ही चोर ने। मैं तो लगता दे के भी जाया ही होना है तो उनकी जगह। हाँ जी जाया सही। हाँ जी। सर वोट? आई आई पीटीआई। आपका तो बने ही नहीं होना। बनेगा तो किसका? इमरान खान का। आपका वोट? इमरान खान। आपका? मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। आप? बल्ले का। बल्ले? बल्ला तो खो लिया उन्होंने। कुछ नहीं होता हमारा, बल्ला जिंदाबाद है। निशान मिट गया। अंकल वोट किसका? तरीके लबैक का। तरीके लबैक का जी। अंकल वोट किसका? वोट? वोट किसका? किसी का नहीं। क्या वजह? सारे गलत ने। आप सर? पीटीआई। पीटीआई। की वजह? चंगा बंदा है इमरान खान, बड़ा चंगा। आपका वोट किसका? पीटीआई नो। नवाजा शबाजा नो। नो वाई ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵਾਜਾ ਸ਼ਬਾਜਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਲਾਨ। ਆਪਕਾ ਵੋਟ? ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਕਾ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਸ ਤੰਗ ਆ ਗਏ। ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਕੱਲ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਆਕੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਟੱਟੂ? ਚਲੇ ਆਪਕੇ ਸਰ ਵੋਟ? ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਾਲਣਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ? ਸਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਹਮਾਰੇ ਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੀਨੀ ਜਮਾਤ ਕੋ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਨੇ ਦਾੜੀ ਸੁਨਨਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀਨੀ ਜਮਾਤ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਵੋਟ ਕਿਸਕਾ? ਔਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਵੋਟ ਕਿਸਕਾ? ਪੀਟੀਆਈ। ਪੀਟੀਆਈ। ਆਪ ਸਰ? ਉਧਰ ਮੁਕ ਰਹੇ। ਇਆ ਕਾ ਨਾ ਬਦੁਵਈਆ ਕਾ ਨਸਤਾਇਨ। ਉਸਕਾ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਆਪਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਮਾਰਾ ਵੋਟ ਬਨਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਆ ਕਾ ਨਾ ਬਦੁਵਈਆ ਕਾ ਨਸਤਾਇਨ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ। ਹਮਾਰਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਕਾ ਸੋਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਮ। ਆਪਨੇ ਉਸਕੇ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਕੇ ਲਈ ਕਿਆ ਸੋਚਾ? ਵੋ ਜੇਲ ਮੇਂ ਉਸਕੋ ਨਿਕਾਲੋ ਬਾਹਰ। हम आज क्यों नहीं रैली निकाली आप? हम क्या कर सकते हैं बाहर? निकलो ना, आज उसने कॉल दी थी, हमें पता भी नहीं है। हेलो, हमें पता होता तो निकलते ना, इधर से कौन सी रैली निकली? इतना शऊर दिया है आज, रैली नहीं, रैलियां निकली हैं जगह जगह से, पता भी नहीं है। नहीं पता तो फिर वोट का कैसे पता लगेगा? इंतखाबी निशान आजाद। वोट हमारा प्याला, हमारे हलके में N106 में प्याला है, ठीक है। उस भी हलके के नहीं है? नहीं, N106 है हमारा। भाईजान वोट किसका? शेर का। शेर का। सर वोट किसका? शेर। आप? शेर। शेर भाजी आप? शेर भाई आप? वोट मेरा अपना है। अपना? हाँ। ते पाना भी अपना नहीं? नहीं अपने आवाज नु पाना, मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ। शेर जिंदाबाद। भाईजान वोट किसका? टीएलपी। टीएलपी का। खान साहब वोट किसका? शेर। शेर। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ? ਸ਼ੇਰ। ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਕਾ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ। ਹਾਂਜੀ। ਨੂਨ? ਜਨੂਨ। ਆਪਕਾ ਵੋਟ? ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ।
सर आपका वोट? खान साहब। खान साहब आप? इमरान खान। इमरान खान सर वोट किसका बताएंगे? वोट नवाज शरीफ। कितने लोग हैं बाकी भाई? शेर हाथ खड़े करे जरा। तीन नून लीग के भाई आप? वाह भाई आप नून लीग। चार वोट जी। सर वोट किसका? भजन वोट है? वोट इमरान खान। इमरान खान सर आपका वोट? इमरान खान। इमरान खान भजन आपका वोट? टीएलपी। टीएलपी लबैक आप? इमरान खान। इमरान खान आप? इमरान खान। इमरान खान सर आपका वोट? कितने हाथ खड़ा करें? तीन वोट इमरान खान। सर आपका वोट? पीटीआई। पीटीआई आपका वोट? मियां साहब। मियां साहब अंकल जी आपका वोट? शेर का। शेर का आप सर आप बताएंगे पीली चाय किसका? भाजन वोट? वोट सर जी खान का। खान का क्या वजह? इमरान खान के साथ जी। आप सर? इमरान खान। इमरान खान क्या वजह? बस ये कारोबारी ज्यादा लोग तो नून का वोट दे रहे हैं सर। आपका कारोबार नहीं है या क्या? पिछले हुकूमत नून लीग की है आपको पता ही है जो मिक्स जमा रहे है, क्या बना तबाही हुई है तो दोबारा इंशाल्लाह इमरान खान। हाँ जी वोट किसका? इमरान खान। इमरान खान वोट? शनाख्ती कार्ड नहीं है। आपका वोट? सबको। सबको वोट किसका सर? सर पूछो। हाँ जी वोट किनु? वोट जिन्हू दिल करेगा पावांगे। पिछली बार किनु दिल कीता सी? हैं पिछली बार किते दिल कीता? लबैक। सर आपका वोट? शेर को। शेर को सर वोट किसका? किसी का मेरी। किसी क्या वजह? वजह क्या? सारी हुकूमत है सारी चोर है जिन्हू मर्जी पाओ निकलना किसी और दिखाते। सर आपका? ताजदारे खत्मे नबूवत। लबैक टीएलबी आप? केनो पादन सर पादने वोट इंशाल्लाह। सर कोई तुसी सोचया हो ना कोई अपना जमीर दसो ना है अपनी चॉइस दसो शायद अच्छी सोची है केनो पाना वोट इंशाल्लाह। सर आप? लबैक या रसूल अल्लाह। वोट किदा? नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ। की वजह? एदी वजह है कि उन्होंने तन्नू मलंग बनाता? नहीं मलंग नहीं सानू अल्लाह दा दित्ता बड़ा कुछ है पर उन्हां दी नजर प्यार मोहब्बत सानू चंगी लगी है। वाह 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 उन्हां नू तुहानू किते उन्हां दी नजर ते नहीं लग गई? नहीं साडी नजर नहीं लगी लगण आलियां दी लग गई है। शैतान नाजल हो गया। कौन है शैतान? इमरान खान अमरीका दा ओ जेल च बेचारा ओ चंगा हो गया जेल च चला गया अमरीका दा क्योंकि उन्हें उत्थों दी बुढ़ी कीती सी इंसान अपने पंजाब नु भुल के दूसरे मुल्क च जांदा ओ शैतान हो जांदा है। मैं कह रहा मुड़ के ने दो इत्थों भी ते कीतियां ओ जदों कछे पाइयां होण ते नंगियां होण दे उहनां दा दिल भेजी जांदा है ना बुढ़ियां ते। हुण तुहाडा भी जवानी च भिजिया सी कदी? मेरा अजे तक नहीं भिजिया मैं बुढ़ा भी हो गया। की वजह? साडे नाने दी इही जी मुर्शिद खाने दी लाइन चली सी उहने सानू इधर ना इधर समझ ला मुल्क दा खाना खराब हो गया। पहले खाना सही है? हां मेरा पुत्र बिलकुल क्लियर है नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ ते हमजा। मरियम ने माई मरियम नू रहन दे विच ने औरत दा जिक्र नहीं करी दा
ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਾਨ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਪਰਦੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੇ ਟਕੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਏ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਕੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਏ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਆ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲ ਆਪਕਾ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਅੱਛਾ ਸਭ ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਪ ਖੁਸਰੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੋਟ ਕਿਸ ਦਾ ਭਾਈ ਜਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ वजह अच्छा आदमी है बाबा जी की कहते पे सर बाबा जी का अपना हिसाब है हमारा अपना हिसाब है हर बाबे का वखरा हिसाब है हां जी ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਸਰ ਵੋਟ ਕਿਸ ਕੋ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੋਂ ਕਾ ਖੈਰਖਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉਸਕਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬੋਂ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਕੀਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਉਸਨੇ ਜੇਬ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦਿਆ ਬਲਕਿ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਜੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਉਸਕੋ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੇਬ ਮੋ ਜਾਂ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਸੇ ਅੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੇਂ ਔਰ ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਖੋਲੇ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਖੋਲੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਸੇ ਆਤੇ ਥੇ ਤੀਨ ਦਿਨ ਕੇ ਲੀਏ ਵੋ ਆਪਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਨਤੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਕੇ ਖਾਨਾ ਅੱਛਾ ਵੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਾਲਿਸੀਓ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਆਪਨੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਖੋਲ ਦੀਏ ਆਪਨੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਆ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਬਾਹਰ ਸੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਲੇਤੇ ਹਨ ਨਾ IIM से जो कर्जा लेते हैं वो सारा आपने बैंकों में ले लेते और यहाँ से पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं यहूदियों के बैंकों में यहूदियों के बैंक भरे पड़े हैं इनके बैंक अपने पैसों से ये पाकिस्तान में लेके नहीं आते ये गरीबों के खैरखा ही नहीं नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं जी गरीबों का मुझे बड़ा दर्द है अब 4 साल हो गए बंदा 4 साल बाहर चला गया पीछे गरीब किधर गए अब देखो गरीबों का जिसको दर्द है वो यहाँ बैठा है उसने कहा मौत आएगी मुझे पाकिस्तान में आएगी वो अंदर है जेल में उसे रखा हुआ है इसीलिए रखा हुआ है कि यहूदी जो हैं वो चाहते नहीं है कि इमरान खान जो उस इक्तदार में आए क्योंकि वो उनकी तो यहूदियों का इतना असर रसूख है हमारे मुल्क में पाकिस्तान शुरू से यहूदियों का ही असर रसूख है भाई फिर अब कैसे जीतेगा अब यहूदी क्या चले गए दुनिया से नहीं लेकर ये देखो ना यहूदियों के सारे अब कैसे आने देंगे यहूदी यहूदियों के जब ठंडे पड़ गए अब देखिए हमारे जो अपना ये इंसाफ का निज़ाम है सारा खत्म हो चुका है बिल्कुल मेरा सवाल यह है कि आप 2024 में यहूदी आने देंगे लेकिन अवाम जो है ना अवाम सारी उस तरफ है पहले अवाम किधर थी पहले भी अवाम उसके साथ ही है तो फिर यहूदियों ने क्यों निकाला उसने सिर्फ और सिर्फ गरीबों का खैर खा है और वो चाहते नहीं है कि मुसलमानों का कोई ऐसा लीडर हो जो मुसलमानों का खैर खा हो और सबसे बड़ी बात वो उसने बाहर जाके अपना वहाँ नबी पाक की बात यूएन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की कि हमें दर्द होता है जब आप लोग गुस्ताखियाँ करते हैं हाँ जी इसके बाद अगर किसी ने की तो यानी हम इसका पूरा अपना एहतजाज करेंगे और उसके उस मुल्क के साथ हम बिल्कुल कट अप कर देंगे इसी वजह से यहूदी जो है ना उसे आखिर उसे अपना जेल में ये यहाँ से जितनी अपनी ये हमारी चीफ जस्टिस हैं हमारी आर्मी जनरल साहब हैं ये सारे उनके साथ मिले हुए हैं अब ये सीधे और क्यों मिल गए यहूदियों के साथ भाई इनका जो जब रिटायर होते हैं सारा पैसा बटोल के बाहर चले जाते हैं यहूदियों का जवाई वो था मिल ये गए ये समझ भाई अल्लाह का बंदा हर बंदा थोड़ी होता है इंसान तो सारे बराबर हैं लेकिन खास अल्लाह के बंदे को खास ही होते हैं ये एक अल्लाह का खास बंदा है इसे मार्फत है अल्लाह रसूल की आले बैत की जब भी वो बात करता है आले बैत की करता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात करता है करबला की बात करता है कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 72 थे सिर्फ और वो जालिम के सामने नहीं झुके और यानी ला इलाह जब बंदा पढ़ लेता है तो वो ला इलाह के दायरे में आ जाता है वो से फिर वो जालिम की एक वो जालिम की वो फिर उसके बाद जालिम के आगे नहीं झुकता जो जालिम होता है
वो अल्लाह का दुश्मन है। कुरान पढ़ लें आप, पूरे कुरान में यह है कि जालिम जो है वो अल्लाह के दोस्त नहीं है। अल्लाह ने कहा जालिमों के साथ मेरी दोस्ती नहीं है, मजलूमों के दोस्त हैं वो अल्लाह ताला। तो वो ये जो इमरान खान है उसे मार्फत है अल्लाह और रसूल की, वो इसी पे चलता है। इया कनाबुदु व इया कनस्तईन पढ़ता है, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं तुझसे ही मदद मांगते हैं। इया कनाबुदु व इया कनस्तईन पढ़ने वाला जेल में क्या कर रहा है भाई? जब सारी माफिया ये एक माफिया के साथ मिल जाए, अब इमरान जो नवाज शरीफ है ये पैसा लगाते हैं और सारे बंदे खरीद लेते हैं। हमारा यहाँ अदलिया का निज़ाम ही ख़त्म हो गया है। जब अदलिया का आप मेरी एक आदत है, मुझे अक्सर लोग जानते हैं कि जब कोई पीटीआई का कैंडिडेट आता है तो मैं ऐसे लगता है जैसे नून लीग हूँ, जब कोई नून लीग का वोटर आता है तो मैं पीटीआई का कैंडिडेट बन जाता हूँ, पीटीआई का सपोर्टर। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर ये सारे इसके साथ हैं तो ये 2018 में कैसे इलेक्ट हुआ था? 2008 में बस अल्लाह का ये अल्लाह का करम हुआ था कि बस ऐसे इतफाकन ये बंदा आ गया। इतफाकन है? हाँ इतफाकन आया। तो कोई डील नहीं, डील शील कोई नहीं हुई वहाँ, क्योंकि ये जो बाजवा साकब निसार ये सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अवाम ने देखा कि हमने सबको तीन तीन चार चार दफा आजमा चुके हैं। पीटीआई जो पीपल पार्टी है वो भी भुट्टो के दो खत्म हो गई, भुट्टो के साथ खत्म। अब जो आगे वो है जरदारी निज़ाम चल रहा है वो सारा। अब बिलावल भुट्टो है वो भी जरदारी के जो उसे वो बताता है। बिलावल तो फिर आपके इधर आ गया लाहौर में, वो कह रहा है मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। वो तो कह रहा है जी हमने सिंध की तरक्की का सफर जो है पंजाब में लाना है। तो सिंध का कैसे, सिंध के बेचारे भूखे मर रहे हैं, वहाँ देखे सारे लोग मर रहे हैं, ना पानी है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है वहाँ लोग पानी। इसीलिए इधर आ गया ना लोग, वो खरीद वो तो पानी बेचारे खरीद के पी रहे हैं, ना वहाँ बिजली है ना। आप भी खरीद के पी रहे हैं इस वक्त, पानी का बिल जो है 5 मरले का वो भी तकरीबन 1350 रुपये पे पहुँच चुका है, आप भी खरीद के पी रहे हैं। सबसे ज्यादा महंगाई जो हुई है ना ये इमरान खान के बाद, जब ये 16 महीने जो शहबाज शरीफ ने लगाए हैं ना, सबसे ज्यादा ट्रिपल महंगाई हुई है। वो कहते हैं जी उसकी की हुई जो वो थी ना गलतियां वो भुगतनी पड़ी हमें। उसने क्या ये कहते थे कि डील हुई आईएमएफ के साथ, आईएमएफ के खास साथ इन्होंने डील की है, उसने तो कोई शर्त नहीं लगाई। सारी शर्तें तो अब पूरी हो रही हैं कि बिजली पर बिजली का बिल बढ़ाओ, गैस का बिल बढ़ाओ, हाँ जी ये चीज़ें अब गरीबों पर सारे ये अब तुम ठोस हो। अब ये सारी जितने 16 महीनों में जितनी महंगाई हुई है, मैंने कहता मेरी ज़िंदगी में, मैंने मेरे 50 साल मुझे भी जिंदगी हो गए हैं, 50 साल में मैंने इतनी महंगाई नहीं देखी जो 16 महीने में हुई है। और अब ये हुकूमत जो काकड़ की है ये भी इनकी हुकूमत है। अब सारी इससे ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। पेट्रोल 8 रुपये कम होता है, बिजली दूसरे दिन 6 रुपये बढ़ जाती है, गैस जो 40% बढ़ जाती है, जो ये कौन कर रहे हैं ये? अब अच्छा, ये बताएं कि अगर खान साहब वापस आ जाते हैं और वज़ीर आज़म दोबारा उस मनसब पर बैठ जाते हैं, फिर क्या चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी, बिल कम हो जाएंगे या फिर महंगाई आएगी? मैं कहता हूँ इंशाल्लाह अगर इमरान खान इकतदार में आ गए तो वो जो पहले उन्होंने गलतियां की हैं ना वो दोबारा वो गलतियां नहीं करें। ऐसे कौन सी की हैं जरा बताया? वो गलतियां उन्होंने की हैं कि उन्होंने नहीं पता था कि बाजवा साहब जो जनरल हैं ये मेरे हैं या अवाम के हैं या किसके हैं, लेकिन उसे बाद में पता चला कि ये हमारे हैं ही नहीं, ये तो यहूदियों के सारे चलते हैं, उनके इशारों पर चलते हैं ये। जो यहूदियों जो यहूदी कहते हैं वो ये मानते हैं। अब जनरल जो है एक हाजिर सर्विस जो बंदा उसका क्या काम है कि यहाँ सीधा चला जाए अमेरिका में चला जाए, उसका काम ही है। मैं कहता हूँ ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो जज हो जनरल हो पाकिस्तान से बाहर ना जाए, वो इनका एयरपोर्ट बंद होना चाहिए, और जो यहाँ से पैसा लेके बाहर जाता है उसे दोबारा पाकिस्तान में एंट्री नहीं आनी चाहिए उसे। ये हमारा निज़ाम ही ऐसा, अदलिया का निज़ाम ही नहीं। निज़ाम किसने ठीक करना है? अब जहाँ जज ही अब अल्लाह रसूल को मानते नहीं जज, अब चीफ जस्टिस देख लें आप, ये भी इनको पता ही नहीं है कि मौत आनी है, आखिरकार मरने जाना है हम लोगों ने, तो अल्लाह के जाके हमने हिसाब किताब देना है। इन कम से कम इंसाफ तो करें, गरीबों के लिए हिसाब करें। अब जो महंगाई हो रही है किन की वजह से हो रही है? ये जज हमारी सारे हमारी मुसीबत तो बने भाई। अब खान साहब अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो इतने बड़े जो माज आप बता रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, फिर उसके बाद जुडिशरी, फिर उसके बाद जो दीगर हमारी ब्यूरोक्रेसी है, कैसे इससे मुकाबला करेंगे? मैं इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा। इया कनाबुदु व इया कनस्तईन, हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। वो इंशाअल्लाह मदद करेगा, वो बंदा आ गया इंशाअल्लाह, मैं कहता हूँ वो ईमानदार बंदा है। अब देखो इन्होंने इतना प्रेशर डाला उसके ऊपर, वो बंदा बाहर भागा नहीं है, उसे कहा गया जिसको मैं हर कस्म के प्रोटोकॉल देते हैं बाहर चला जाए, उसने कहा मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है। अब लीडर ऐसे होते हैं जो आवाम के लिए मर जाएं, आप बाहर वो गए ही नहीं, अंदर अब जन बैठा है अपना उसमें अब जेल में है। आवाम के लिए मरना नहीं चाहिए, आवाम को मरने से बचाना चाहिए लीडर, लेकिन जब उसे कुछ खुद मरने चल पड़े, जब उसे करने कुछ नहीं दे रहे थे। अब जज देख ले सारे जितने फैसले, हम नवाज शरीफ बाहर से है सारे बरी हो गए जी माशाल्लाह, कोई उस पर कोई ना केस है, जितना है सारा कुछ वो लूट को ही ले गया और सारे केस उसके ख़त्म कर दिए। ये कोई निज़ाम है? यहाँ अदलिया का निज़ाम जहाँ नहीं है वहाँ तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। सबसे पहले अदलिया निज़ाम बनाना होगा। ये जो कहते हैं ना जी
तालीम 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 भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अदलिया का निज़ाम बेहतर करना चाहिए ताकि जज ऐसा हो जो अल्लाह रसूल से डरे और कुरान शरीफ पे हाथ रख के उससे बल्कि उसको जो मुजरम आता है उसका हाथ न रखवाना चाहिए। कुरान पे हलफ तो ये लोग भी देते हैं जो असेंबलियों में आके बैठते हैं लेकिन नहीं अमल करते ना उस पे। लेकिन काम ये, चलो ये तो झूठे लोग हैं ना, इनका तो काम ही है कि अवाम को उल्लू बनाना कि हम ये करके हम बिजली, अब 300 यूनिट जो है कौन बिजली माफ़ करेगा, जो ये सारे मनारे लगा रहे हैं कि हम 300 यूनिट माफ़ कर देंगे जी, कौन इनका बाप के उनका बिजली का बिल देगा है जी। पहले हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं, आप सब्ज़ बाग है, ये सब सब्ज़ बाग हैं, अवाम को उल्लू बनाने के तरीके हैं। अब अवाम जो है इसको ये बताओ इस हल्के में PTI का कौन सा कैंडिडेट है? ये वसीम कादर है, ऊपर MNA जो है। अच्छा, क्या इंतखाबी निशान है? उसकी विकटे हैं, विकटे हैं? हाँ जी, खान का बल्ला और इसकी विकेट है। बल्ला बल्ला लिया इसीलिए है ताकि अवाम को है ना ऐसे बस ऐसे जाल में फंसा दिया जाए, इन्हें समझ ही नहीं आया कि वो हमने स्टैम किस पे लगानी है, ताकि बेचारा फिरता रहे कौन सा मेरे कैंडिडेट का कौन सा निशान है, ढूंढता फिरे बेचारा, तगमा है, विकटे हैं, बल्ला है, वो बाजा है, पता नहीं क्या क्या पूरे जहेज दे दिया PTI को। अब आप देख लें बेचारे नून लीग वाले कहते हैं कि इन्होंने PTI से बल्ला लेके उन्हें डांग दे दी है। भाई डांग क्या, डांग तो इनको मिल गया, इंशाल्लाह मिलेगी। आप देखें 8-8 आ रही है 8 फरवरी, और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह की मदद होगी और इंशाल्लाह आवाम सोच समझ के वोट देगी और अपने ज़मीर का फैसला करेगी, अल्लाह रसूल से डर के फैसला करेगी, और सब सब ने मरना है यहाँ से, सब ने जाना है। शुक्रिया, ये दुआ है कि अल्लाह ताला यानी नेक लोग ले आए और अच्छे सरबराह हमें अता फरमाए। शुक्रिया जी। नाजिन हम मौजूद थे हल्का NA 121 में और यहाँ पर अवामी राय आपने देखी, फैसला आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा और इसमें ज़्यादा हमें नून लीग भी है साथ PTI भी है, लेकिन रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर होंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुल्फ़िकार हैदर मलिक को दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफिज़।